गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम टॉपिक करने वाले हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहले हमने एक सेल लिया, इस सेल का ईएमएफ है ई, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसके बाद ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाया गया है टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करने के लिए, उसे वी बोला जा रहा है। तो यहां पर देखिए ये होता क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल के अक्रॉस जब सर्किट क्लोज हो या उसमें से करंट ड्रा किया जा रहा हो। तो यहां पर लिखिए इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज। क्लोज सर्किट का मतलब है उस सेल में से करंट को ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल वी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, इसे भी वोल्ट में मेजर किया जाता है। अब यहां पर देखिए इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं इस टाइप से, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो टोटल जो वोल्टेज अप्लाई की गई है वो कितनी है, ए। ये बताइए आर रेजिस्टेंस में से करंट आई फ्लो कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहां पर, इसे बोला जा सकता है आई आर। इसी टाइप से इस सेल में से कितना करंट फ्लो कर रहे हैं आई, रेजिस्टेंस कितना है यहां पर, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो इसे क्या लिखा जा सकता है आई आर, ठीक है, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम किस पॉइंट के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। तो ये बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V across AB, जिसे सिंपली मैं V लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए इस वाले सर्किट के अक्रॉस, तो ये हो गया IR के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ E इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं प्लस IR, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो V कितना हो गया, IR को दूसरी तरफ ले जाओ, E माइनस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को इस वाले फॉर्मूले से इंडिकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V इक्वल टू E माइनस IR। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको, व्हेन करंट इज ड्रा फ्रॉम सेल, जब करंट को सेल से ड्रा किया जाता है, मतलब सेल करंट सप्लाई दे रहे हैं, उस केस में ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। दूसरा केस, व्हेन सेल इज चार्ज, अब सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, सेल को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, सेल को चार्ज करने के लिए हम बाहर से
कोई एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करके जब इसे चार्ज करेंगे, और जब सेल को चार्ज किया जाता है तो सेल में से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बल्कि इसका उल्टा फ्लो करता है। अगर ये उल्टा फ्लो करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वी इक्वल टू ई माइनस करेंट हो जाएगा माइनस आई इंटू में आर, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वी बड़ा होगा कैपिटल ई से, या फिर आप कह सकते हैं ई छोटा होगा वी से। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये कई बार न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिस्चार्ज के केस में ई हमेशा बड़ा होगा वी से, और चार्जिंग के केस में हमेशा वी बड़ा होता है किससे, ई से। थैंक यू।